तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में एक इंस्टाग्राम रील्स चलते हुए दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसमें एक सेंड गिफ्ट का ऑप्शन बना हुआ है। इस रील्स को छोड़िए, एक और रील्स हम यहाँ पे आपको चला के दिखाते हैं, उस रील्स में भी यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक सेंड गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप भी यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक सेंड गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यदि आप भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं या फिर कॉपी पेस्ट रील्स डालते हैं तो क्या आपको अभी तक सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिला है? यदि मिल गया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिला है तो कैसे आपको इंस्टाग्राम पे सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिल सकता है यदि अभी तक नहीं मिला है तो, और यदि मिल गया है तो कैसे आप उसका सेटअप कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप सेंड गिफ्ट से भी पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए देखिए सिंपली हम सेंड गिफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहां पे सपोर्ट द क्रिएटर्स यू लव का ऑप्शन आएगा और यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम सेंड फर्स्ट गिफ्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहां पे आपको स्टार का ऑप्शन देखने को आएगा, बाय 15 स्टार, जिसमें आपको 30 रुपया मिलेगा। मतलब कि आपका जो व्यूअर होगा, जो आपका वीडियो देखेगा, आपके वीडियो पे जैसे ही सेंड गिफ्ट का ऑप्शन आएगा आपका जो व्यूअर होगा वो आपको गिफ्ट सेंड करेगा और उसमें आपको पैसा मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा आपको, मतलब कि सेंड गिफ्ट का ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, यदि मिल गया है तो कैसे आप इसका सेटअप कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। यदि आपके इंस्टाग्राम पे कम फॉलोअर क्यों ना हो, मतलब कि बहुत से लोगों के इंस्टाग्राम पे जो है 500-600 फॉलोअर रहते हैं और ज्यादा नहीं 10-15 कंटेंट ही वो पोस्ट किए रहते हैं, तो उन सबको भी सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। यहां पे आपको सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, बस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इंस्टाग्राम आईडी ओपन कर लिया। देन इंस्टाग्राम आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में आपको आपके प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 547 फॉलोअर है, अभी तक हमने 37 कंटेंट ही पोस्ट किया है, मतलब कि यहाँ पे 37 वीडियोज फोटो सब मिला के यहाँ पे हमने पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पे और हमें जो है सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिला है। आपको यहां लाइव प्रूफ सब कुछ दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे कि यहां पे देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस तरह से यहां पे कन्वर्ट होना चाहिए। यदि नहीं कन्वर्ट है तो वीडियो पे कमेंट करिएगा, एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे जो कैसे आप इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली यहां पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही यहां पे क्लिक करेंगे ना देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहां पे अकाउंट का रीच एंगेजमेंट वगैरह देखने को मिलेगा और यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गिफ्ट का। सिंपली हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे आईडी पे सिर्फ 547 फॉलोअर थे और अभी तक हमने 37 कंटेंट ही पोस्ट किया था, लेकिन हमें सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिल चुका है। तो इस तरह से आपको भी सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, बस इस वीडियो को देखिए। यहां पे क्राइटेरिया भी बताऊंगा जो कैसे सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। यहां पे आपको एलिजिबल का देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे अलाउ गिफ्ट ऑन रील्स का ऑप्शन और यहां पे लर्न मोर का ऑप्शन है। तो हम सिंपली यहां पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको पहले क्राइटेरिया बता देता हूं, जो सेंड गिफ्ट का ऑप्शन आपके आईडी पे आने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है, देन उसके बाद सेटअप करके दिखाऊंगा। तो यहां पे आपको सिंपली कंफर्म वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। देन यहां पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे देख सकते हैं आपको एलिजिबल फॉर इंस्टाग्राम गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे पहले आपको बता देते हैं जो इंस्टाग्राम गिफ्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो आपको जिस कंट्री में इंस्टाग्राम ने गिफ्ट को एलिजिबल कर रखा है उस कंट्री से आपको बिलोंग करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे आपको ढूंढ लेना है तो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री में आपका घर है वहां पे कंट्री का नाम, वो वाला कंट्री का नाम यहां पे दिया है या नहीं। जैसे कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यहां पे देखिए इंडिया का ऑप्शन दिया गया, मतलब हमारा एक क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, देन यहां पे आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, हैव अ प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब कि आपका आईडी प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट होना चाहिए। उसके बाद यहां पे आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो इंस्टाग्राम के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद यहां पे आपको जो है एटलीस्ट 500 फॉलोअर, मतलब कि आपके इंस्टाग्राम आईडी पे कम से कम 500 फॉलोअर होने चाहिए। ये सभी कंडीशन है तभी आपको इंस्टाग्राम में जो है गिफ्ट सेंड का ऑप्शन मिलेगा। तो फिर से आपको बता देते हैं, पहला आपको एलिजिबल कंट्री से बिलोंग करना है, दूसरा आपका आईडी प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट होना चाहिए, तीसरा आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, चौथा आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पे कम से कम 500 फॉलोअर होने चाहिए तभी आपको इंस्टाग्राम की तरफ से सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सिर्फ 500
फॉलोअर पे ही यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे जो है सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है और सेंड गिफ्ट से आप पैसा अर्न कर सके, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। और जैसे ही आपके अकाउंट में $25 होगा आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। तो चलिए यदि आपको जो है सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिल गया तो कैसे उसका सेटअप करना है सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक हो जाते हैं, देन यहाँ पे देखिए हमें स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लेट स्टार्ट विथ बेसिक डिटेल्स, मतलब कि आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम, उसके बाद लीगल सर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री, तो ये सभी हम पहले यहाँ पे फिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको पैन कार्ड वाला डिटेल्स फिल करना है, मतलब आपके पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम हो वो फिल करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो फिल करना है, आधार कार्ड नहीं बल्कि पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि आगे जाके आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर भी मांगने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये सभी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको फिर एक बार अच्छे से समझा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना नाम फिल कर लिया, यहाँ पे लास्ट नेम और सरनेम दोनों हमने फिल कर लिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी हमने फिल कर लिया और यहाँ पे हमने कंट्री भी फिल कर लिया। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे फिल करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ से आप जो है अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा 2004 है तो उसको हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ से आप मंथ को आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमारा जुलाई है तो जुलाई सेलेक्ट करके यहां से डेट को सेलेक्ट कर लेना और सेट कर देना है। देख सकते हैं हमारा डेट ऑफ बर्थ यहां पे फिल हो चुका है, अब हमें सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहां पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ये जो यहां पे रेड वाला दिख रहा है ये ऐसे ही यहां पे दिख रहा है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपको थोड़ा सा यहां पे वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पे ओपन हो चुका है और यहां पे हमें बोल रहा है इंटर बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो ये चीज थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखिएगा। यहां पे आपका कंट्री पहले से ही सिलेक्टेड रहेगा, जो भी आपका कंट्री रहेगा, तो हमारा यहाँ पे इंडिया पहले से ही सिलेक्टेड है तो इसको हम रहने देंगे। अब हमें बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है, तो बिजनेस टाइप में एक चीज आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप ही यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से पार्टनरशिप या ज्वाइंट वाला या LLC वाला ये सभी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको जो है यहाँ से इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना है, हमेशा यहाँ पे आपको बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा भी गलती करिएगा तो आपको जो है इंस्टाग्राम की तरफ से एक रुपया भी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है और यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा लीगल फर्स्ट नेम हमने पहले ही फिल कर लिया है, उसके बाद मिडिल नेम ये एप्लीकेबल है, यदि नहीं भी फिल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद लास्ट सर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, उसके बाद टाउन है, उसके बाद यहाँ पे कंट्री है, तो कंट्री में आपको अपना स्टेट का नाम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, उसके बाद पोस्ट कोड वगैरह है, तो ये सभी पहले हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको अच्छे से एक बार समझा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने लीगल फर्स्ट नेम फिल कर लिया था, मिडिल नेम हमारा यहाँ पे नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे लीगल सरनेम में कुशवाहा हमने फिल कर लिया, डेट ऑफ बर्थ हमारा पहले से ही फिल है, उसके बाद यहाँ पे हमारा एड्रेस है इसको हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारा सिटी जो है दरभंगा है, तो यहाँ पे हम पहले दरभंगा फिल कर लिए, देन उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है, तो सिटी में हमने पहले से ही दरभंगा फिल कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो कंट्री में आपका जो स्टेट है उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हम बिहार को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारा पिन कोड पोस्ट कोड या फिर जिप कोड एक ही होता है तो हम यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर लिए हैं, देन यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर फिल कर लेना है, तो हमने यहाँ पे अपना फोन नंबर भी फिल कर लिया है, देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, तो देखिए यहाँ पे हमने आधा ईमेल आईडी फिल किया था, तो चलिए हम इसको ईमेल आईडी को पूरा कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर मतलब कि परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड पे जो नेम नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, तो देख सकते हैं हमने ईमेल आईडी भी फिल कर लिया, पैन नंबर भी फिल कर लिया, ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है VAT या फिर GST रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑप्शनल है, ये वो लोग फिल करते हैं जिनका कोई बड़ा सा शॉप वगैरह होता है उनके पास GST नंबर होता है। अब आपको सिंपली इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है, देन ये सभी इन्फॉर्मेशन को एक बार और अच्छे से चेक कर लेना है, इस सभी को चेक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल किया इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपको सही सही फिल करना है, क्योंकि इसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज यहीं से तो हमें पैसा मिलेगा इंस्टाग्राम से, इसमें चूज हाउ वुड यू लाइक टू गेट पेड, मतलब कि आप किस तरह से पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको एक बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा, एक वायर ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा, तो यदि आप चाहे तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि चाहे तो वायर ट्रांसफर को सेलेक्ट कर सकते हैं या लिंक योर पेपल अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फेसबुक पे भी यदि आप वीडियो वगैरह डालते होंगे और मोनेटाइज किए होंगे तो वहां पे भी आपको बैंक ट्रांसफर और वायर ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोनों में अंतर क्या है, यदि आप बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट करते हैं तो आपको $25 पे ही आपका पेमेंट मिल जाएगा,
मतलब कि आपके पेयोट अकाउंट में जैसे ही $25 होगा आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। और वायर ट्रांसफर में क्या होता है, आपके पेयोट अकाउंट में $100 होने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो हम जो है यहाँ पे बैंक ट्रांसफर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा $25 पे ही पेमेंट हो जाएगा। यदि आप वायर ट्रांसफर को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको स्विफ्ट कोड की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए हम वायर ट्रांसफर पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे वायर ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो हमें एक स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने वायर ट्रांसफर सेलेक्ट किया, हमें एक स्विफ्ट कोड यहाँ पे मांग रहा है ना। तो यदि आपको स्विफ्ट कोड नहीं पता है तो ये वीडियो देख के आप स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट करते हैं तो हमें कोई भी स्विफ्ट कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करके आपको दिखाएंगे। यदि आप चाहे तो वायर ट्रांसफर पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमने बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कर लिया। अब हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें बैंक का कंट्री नेम, तो इंडिया पहले से ही सिलेक्टेड है। यहाँ पे करेंसी, यहाँ पे इंडियन रुपीज में देखने को मिलेगा। लीगल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसके बाद लीगल सरनेम, उसके बाद यहाँ पे हमें IFSC और जिस बैंक अकाउंट में हम पैसा लेना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट हमें यहाँ पे फिल करना है। यह सभी फिल करने के बाद एक बार और हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। दोस्तों, आपको वायर ट्रांसफर और बैंक ट्रांसफर में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। यदि आप चाहे तो वायर ट्रांसफर सेलेक्ट कर सकते हैं, $100 पे आपका पेमेंट होगा। यदि आप चाहे तो बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर सकते हैं, $25 पे आपका पेमेंट होगा। दोनों सेम ही है, बस आपको अमाउंट का चेंजेस देखने को मिलेगा, $25 और $100। तो उसमें आपको थोड़ा इधर उधर झिझक नहीं रखना है। चलिए सबसे पहले हम ये सभी डिटेल्स फिल कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको एक बार अच्छे से समझा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमने सभी डिटेल्स फिल कर लिया। हमने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल कर लिया, मिडिल नेम फिल कर लिया, उसके बाद लीगल सरनेम भी फिल कर लिया। यहाँ पे हमने IFSC कोड और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर सब फिल कर लिया। एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है। देन चेक करने के बाद सिंपली लिंक पेआउट मेथड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपका बैंक ट्रांसफर से मतलब कि $25 पे पेआउट अकाउंट बन जाएगा। और जैसे ही आपका $25 होगा, आपके पेआउट अकाउंट से सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यदि आपका $25 पे सेटअप नहीं हो रहा है, वहां पे इनवैलिड बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको $100 पे मतलब कि वायर ट्रांसफर को सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इशू के वजह से आपका $25 पे हो सकता है सेटअप नहीं होगा। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का आ गया टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने का। तो यहाँ पे हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे देखिए एड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, हमें सिंपली एड टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, इसको अलाउ दे देना है। इसको अलाउ देने के बाद यहाँ पे आपको फिर से इसको एक बार अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद देख सकते यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा टैक्स इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको टैक्स इंफॉर्मेशन में इंडिविजुअल पहले से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आर यू यूएस सिटीजन, तो इसमें आपको नो करना है क्योंकि आप यूएस से बिलोंग नहीं करते हैं, तो सिंपली इसको नो कर दीजिएगा। देन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आर यू एक्टिंग एन एज इमीडिएटली एजेंट, तो इसमें भी आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो सेलेक्ट योर सिटीजनशिप का ऑप्शन मिलेगा। इसमें से आपको क्या करना है, इंडिया को यहां से सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो यहां से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहां पे हमें अपना पैन नंबर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा पैन नंबर है। यहां पे बोल रहा है कि आई हैव नन यूएस टीन, मतलब कि हमारे पास यूएस टीन नहीं है क्योंकि हम यूएस से बिलोंग नहीं करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो टीन को ही पैन नंबर बोला जाता है, मतलब कि यूएस में मतलब अमेरिका में टीन नंबर जो होता है वो इंडिया में पैन नंबर होता है, तो इसलिए यहां पे पैन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपके पास टीन नंबर है तो यस आई हैव टीन पे क्लिक करना है। तो हमारे पास टीन नंबर तो नहीं है, पैन नंबर है, तो सिंपली हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस वगैरह ये सभी देखने को मिल जाएगा। यदि आप चाहे तो यहां पे एड्रेस फिल कर सके, ये ऑप्शनल है, तो इसको हम रहने देते हैं। सिंपली एड्रेस लाइन वन में यहां पे हमें अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा, तो इसको हम पहले फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहां पे अपना एड्रेस फिल कर लिया, ये ऑप्शनल है, तो इसको हम रहने देते हैं। बाकी यहां पे सिटी, स्टेट और जिप कोड मतलब कि पिन कोड ये सभी पहले से ही फिल रहता है। अब हमें सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब हमें सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर से एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पे आपको 0% सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखना है, इसमें यदि कहीं भी कोई सा भी गलती करिएगा तो आपको ₹1 भी इंस्टाग्राम की तरफ से नहीं मिलने वाला है। देन कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आपको एक बार चेक करके, यहाँ पे सबसे मेन होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना इंस्टाग्राम का जो आईडी का नाम होता है ना वो यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो चीज आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम है एज इट वैसे ही पैन कार्ड का फुल नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमारा नाम राहुल कुमार कुशवाहा है पैन कार्ड पे, तो हम सिंपली पूरा कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखेंगे राहुल कुमार कुशवाहा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम आपको लिख के दिखा देते हैं,
राहुल कुमार, यहाँ पे हम कुशवाहा लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे छोटा सा बक्सा दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ये डेट है ना, ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। जिस डेट को आप अप्लाई करिएगा वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये करने के बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का जो नाम है, पैन कार्ड पे जो नाम है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। देन आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। इस फॉर्म को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सभी चेक कर लेना। इस सभी को चेक करने के बाद सिंपली सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका इंस्टाग्राम पे जो गिफ्ट का ऑप्शन होता है उसके लिए आपका अप्लाई वाला फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे देख लेना है, एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाएगा, नाम देखने को मिल जाएगा। ये सभी देखने के बाद आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो है हमारे वीडियो पे भी गिफ्ट का ऑप्शन आएगा और जो भी हमारा वीडियो देखेगा यदि उनका मन होगा तो वो हमें गिफ्ट देंगे। और उस तरह से यदि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के पेआउट अकाउंट में $25 जैसे ही होगा, $25 होते ही हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यू कैन नाउ अर्न मनी फ्रॉम गिफ्ट, मतलब कि अब हमें गिफ्ट से पैसा मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे पहले आ रहा था यहाँ पे सेंड गिफ्ट वाला ऑप्शन, लेकिन अब यहाँ पे हमें डॉलर देखने को मिल रहा है। देखिए यूएस डॉलर अभी तक हमारा अर्निंग हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम अब रील्स वगैरह डालेंगे जो भी हमारा व्यूअर होगा, जो भी हमारा वीडियो देखेगा वो हमें गिफ्ट देगा और उससे जो डॉलर बनेगा वो यहाँ पे शो होगा। तो चलिए अब हम रील्स पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं जो वहाँ पे हमारे रील्स पे जो है गिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली बैक हो जाना है। यहाँ से बैक होने के बाद आपको अपने इंस्टाग्राम पे आ जाना है और यहाँ से हम अपने रील्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा ये रील्स चल रहा है और यहाँ पे आपको गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस आईडी से तो नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरे आईडी से चला के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रील्स पे भी अब गिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है और अब हम भी गिफ्ट से इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं। यदि आपने गिफ्ट का ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा है तो आपको 2-3 घंटा वेट कर लेना, अपने आप वो इनेबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी इंस्टाग्राम से गिफ्ट इनेबल करके गिफ्ट से पैसा कमा सकते हैं यदि आपके पास 500 फॉलोअर है। तो क्राइटेरिया हमने आपको बता ही दिया है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यूट्यूब पे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।